शेख मैयत की तरफ से कुर्बानी क्या क्या हुक्म? देखिए, मैयत की तरफ से कुर्बानी का मसला मुख्तलफ भी है, पर जी शेख, राजे मालूम तो मसला बता। ये है कि कुर्बानी मैयत की तरफ से करना दुरुस्त नहीं। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से जो रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें वसीयत किया कि कुर्बानी करते रहेंगे, तो जी शेख, सही रिवायत नहीं है, ज़ईफ़ जी रिवायत है। शेख, जी शेख, और ये रिवायत अगर सही होती तो ये मसले में बहुत साफ और सरीह रिवायत थी। अलबत्ता जायज करार देने वालों में एक रिवायत का और तذکرہ है जी शेख, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो डुब्बे में एक डुब्बा अपनी उन उम्मतियों की तरफ से खास करते थे कि जी शेख, जिन्होंने कुर्बानी नहीं किया है, जी और उम्मतियों में दोनों तरह के लोग हैं, जिंदा और मुर्दा। शेख, तो इस हवाले से पहली बात तो ये जिक्र करना मुनासिब है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती थे, हमारे उम्मती नहीं है, जी हम खुद उम्मती हैं। जी तो ये हम पर सादिक नहीं आती। और जी दूसरे ये कि उम्मतियों में जिंदा और मुर्दा दोनों जो शामिल हैं, तो जी सिर्फ हम मुर्दे को खास क्यों करते हैं? जी शेख, दोनों हैं तो दोनों को हम शामिल रखें, उनमें से सिर्फ एक को यानी मैयत की तरफ से कुर्बानी करने के मामले को हम क्यों लेते हैं? जी और दूसरे कि जब अहले खाना की बात आ गई है कि जी मेरे और मेरे घर वालों की तरफ से है, तो अहले खाना में भी तो जिंदा और मुर्दा दोनों तरह के होते हैं। जी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ औलाद वफात पा गए थे और कुछ जिंदा थे, जी अहले खाना में सिर्फ हिस्से औलाद रहते हैं, तो जी उसमें ये कहा है कि ये जिंदा औलाद की तरफ से है, मुर्दा औलाद की तरफ से नहीं है? उसमें भी तो जिंदा और मुर्दा दोनों शामिल हो सकते हैं, जी जी अगर इसी तरह से इस्तेलाल करना है तो। जी शेख, और अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हों की जो रिवायत साफ और सही है, उसको जी क्यों ना लिया जाए, जिसके अंदर ये कहा गया है कान अर्रजुल युदहि बिश्शाति अन्हु वअन अहलि बैतिही, कि एक शख्स अपने और अपने घर वालों की तरफ से एक बकरी ज़बह करता था, जी तो गोया कि ये तरीका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मतियों को दिया, जिसे सहाबा ने इख्तियार किया, जी और उसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जिंदगी भर इख्तियार करते रहे अपने और अपने घर वालों की तरफ से। हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 9 घर थे, लेकिन जी एक दुम्बा सबके लिए काफी होता था। जी तो इस तौर पर अगर किया जाए जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा ने किया, तो जी यकीनन वो साफ सुथरा और सबसे बेहतर रास्ता है। हजरत खदीजा की तरफ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवर ज़बह करते थे, मगर कुर्बानी के मौके पर जी उनकी तरफ से कोई भी जानवर कभी ज़बह नहीं किए, या और भी मतलब आपके बहुत सारे अकारिब थे। हैं हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की तरफ से अल्लाह के नबी गैर कुर्बानी के दिनों में जानवर ज़बह किया करते थे, कुर्बानी के दिनों में नहीं किया करते थे ऐसा? हाँ, जानवर ज़बह करके उनके उसका गोश्त उनकी सहेलियों और दीगर लोगों के दरमियान तकसीम करते थे, लेकिन जी यही मामला बतौर कुर्बानी के नहीं करते थे। जी शेख, यानी इसमें जो गलती हो रही है, एक तो है कि उम्मती का जो वो सिर्फ नबी के साथ खास है, और मान भी लिया जाए तो सारे जिंदा और मुर्दों को इसमें शामिल किया जाए, मुर्दे में से किसी एक को तायुन करना ये मसला समझ में नहीं आता। ठीक नहीं, क्लियर नहीं हो है, शेख। अगर कोई करता है शेख ऐसा, जैसे आपने बताया कि हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा की तरफ से अल्लाह के नबी गैर कुर्बानी के दिनों में करते थे,
कुर्बानी के दिनों में नहीं करते थे, लेकिन फिलहाल मान लें अगर कोई करता है तो कुर्बानी की गोश्त में से वो खाएगा या पूरा ही सदका बांट देगा उसको। उसमें जिंदा की शिरकत अगर नहीं रहेगी तो जी वो सही नहीं होगा, वो कुर्बानी ही नहीं होगी, सुभान अल्लाह। वो नॉर्मल जबिया होगा, नॉर्मल जबिया होगा। कुर्बानी होने के लिए हमें वही तरीका अपनाना होगा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद किया और आपके साहबा ने किया, यानी सुभान अल्लाह। जिंदा और मुर्दा दोनों शामिल हैं। हम किसी एक मुर्दे का नाम ना तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिया, ना साहबा में से किसी ने लिया। अल्लाह अकबर। हाँ, जिंदे का उसमें शमूलियत रहती है, मेरे मेरा यानी जिंदा हूँ मैं, जी मेरे तरफ से यानी मैं जिंदा हूँ और मेरे घर वालों की तरफ से, जी तो उसमें जिंदे की तरफ से ही होना और इस तरह का लफ्ज कि मेरे घर वालों की तरफ से भी, ये जी उसके साथ हम जोड़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जी तो तो जो अगर तरीका हमें दिया गया है वो तरीका हम इख्तियार करेंगे, सिर्फ मुर्दे की तरफ से कोई कोई रिवायत है ही नहीं है, तो सुभान अल्लाह। और उसको हम कैसे खास कर दें कि ये फलां की तरफ से है। सिर्फ मुर्दों में से सिर्फ एक का भी ये भी नहीं होगा ना, मुर्दे आम हो गए मीन हाँ, वो आम। अमूमी हो गया यानी उम्मती का आप कहेंगे तो उम्मती में वो मुर्दे हो गए जिनका नाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिया नहीं, जी, नाम और लेने वो जिंदा अफराद भी हो गए जिनका नाम आपने नहीं लिया लेकिन अपना नाम आपने लिया जी। मेरे तरफ से और मेरे उम्मतियों की तरफ से। हाँ सुभान अल्लाह, जजाकअल्लाह खैर शेख। शेख एक दो जी, सवाल शेख हो गया हो? तो गोया कि खुलासा ये निकला जी शेख कि अगर कोई शख्स जानवर जबह करना चाहता है तो जी घर का जो मेन और जिम्मेदार शख्स है वो अपनी तरफ से जानवर को जबह करते हुए अपने घर वालों का नाम उसमें लेगा, यही मसनून तरीन तरीका है, इसी पर मुसलमानों को चलने की जरूरत है। जी अगर किसी को शुबा हो रहा है और किसी मैयत को दाखिल करना चाहता है तो नियत कर ले जी अपने घर वालों को कहते हुए, उसको भी नियत में शामिल कर ले, अल्लाह रब्बुल आलमीन देने वाला है, अगर जिंदों के साथ में उन्हें भी शामिल कर लिया है और रब्बे करीम ने दे दिया तो हमें क्या इतराज़ जी है। बारकुल्लाह फ़ीक।